आज जिस विषय में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बड़ा धुआंधार अग्नि से भरा हुआ है। सारे विश्व के अंदर प्राचीन समय से मदिरा, शराब, अल्कोहल, इन चीजों का सेवन किया जाता रहा है और बहुत लोग इसका आनंद लेते हैं। तो कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा, लेकिन आप इससे रुष्ट ना हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव हूँ, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन। अल्कोहल के बारे में भ्रांति यह है कि वो हमको एक शांति प्रदान करता है, उससे हमको जो है आनंद आता है, लेकिन अल्कोहल बेसिकली जो है हमारे मस्तिष्क को तो डिप्रेस करता है, दबाता है, शांति प्रदान नहीं करता है, वो उसके कार्य करने की क्रिया को ही धीमा कर देता है। तो हमारा अपने ऊपर से नियंत्रण हट जाता है। जब हमारे मस्तिष्क में कंट्रोल, नियंत्रण खत्म हो जाता है तो हम बहुत सी ऐसी हरकतें कर सकते हैं जिससे हमें खुद को शारीरिक नुकसान हो। जैसे यदि आप वाहन चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, या आप किसी ऐसी डेंजरस जगह पे हैं जैसे छत पे आप अकेले हैं, और यदि आपने शराब पी हुई है, आपको उसका नशा है, तो यदि नियंत्रण आपका समाप्त हो गया तो अल्कोहल से नुकसान तो बाद में होगा, गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, आप छत से गिर सकते हैं, बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो ये छोटी अवधि के अंदर भयंकर नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पे भी इसका बुरा असर पड़ता है, छोटी अवधि में भी और लंबी अवधि में। छोटी अवधि में क्या होता है कि हमारा पेट की जो म्यूकोसा है वो सिकुड़ जाती है, उसमें एसिड का असर ज्यादा होता है और हमको एक एसिडिटी या जलन का आभास होने लगता है। हमारे रक्त का जो प्रवाह है वो, उसकी जो नाड़ियां हैं, खून की नाड़ियां, वो अल्कोहल से फैल जाती है, डायलेट हो जाती है। इसकी वजह से हमको दर्द हो सकता है। जो सरदर्द होता है वो इसी की वजह से होता है कि खून की नाड़ियां डायलेट हो गई, और जब ये वापस सिकुड़ती हैं तो उनके सिकुड़ने के कारण हमको दोबारा से सरदर्द होता है, जिसको हम लोग हैंगओवर वगैरह समझते हैं। जिसको लंबे समय तक अल्कोहल का सेवन यदि अधिक मात्रा में किया जाए तो हमारे यकृत यानी कि लिवर के ऊपर बुरा दुष्प्रभाव पड़ता है, और हमारा लिवर कभी कभी इसके कारण सिरोसिस नाम की एक बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, जिससे लिवर फेलियर हो सकता है। जिस व्यक्ति को अल्कोहल की आदत हो जाती है, शरीर में अल्कोहल की मात्रा लगातार बढ़ी रहने से हमारे जो नसें हैं उनका नियंत्रण खत्म हो जाता है। तो आपने देखा होगा बहुत से लोग जब शराब नहीं पीते तो, और वैसे नॉर्मल में ज्यादा पीते हो, और जिस समय नहीं लेते कुछ समय के लिए, तो उनके हाथ कांपने लगते हैं। इसको डिलीरियम ट्रेमेंस भी कहा जाता है। ज्यादा मात्रा में और लंबे समय तक अल्कोहल लेने से दुष्प्रभाव सिर्फ आपके शरीर पे, आपके मस्तिष्क पे या आपके हाथों के ट्रेमर्स पे नहीं पड़ता है, आपके बाकी परिवार और समाज के ऊपर भी लंबी अवधि में इससे दुष्प्रभाव पड़ते हैं। अल्कोहलिक होने के बाद व्यक्ति किस हद तक जा सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है, और अंततः अपने जीवन में और अपने शरीर को खुद को नुकसान करता है। धन्यवाद।